नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। पिछले साल सियाचिन में स्थित सेना के कैंप में लगी आग की चपेट में आकर शहीद होने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह ने राष्ट्रपति से सम्मान को हासिल किया। इस दौरान जब कैप्टन की बहादुरी की गाथा को बताया जा रहा था तो स्मृति अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई। पति की बहादुरी को सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। उनके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ तौर पर झलक रही थी। कीर्ति चक्र सम्मान लेने के दौरान का उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, इस देश का दुर्भाग्य है ये कि यहाँ शहीदों का नाम भी तभी पता चलता है जब हम उनकी कोई कहानी वायरल हो जाती है। कैप्टन अंशुमान पिछले साल शहीद हुए थे और आज जब उनकी पत्नी स्मृति की तस्वीरें वायरल हुईं तो हमारे दिखावे वाला देश प्रेम उमड़ पड़ा। यहाँ अगर आप वायरल नहीं हुए होते तो आपकी शहादत का भी कोई मोल नहीं लगाया जाता शायद। मेरे साथियों ने कहा, सब शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति की कहानी दिखा रहे हैं, वो बहुत वायरल हो रही है, आप भी दिखाओ। मैंने सोचा दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बताई सच्चाई कड़वी होगी, शायद मेरी बातें जो हैं वो वायरल ना हो। शहीद कैप्टन अंशुमान और उनकी पत्नी की कहानी वाकई में रुला देने वाली है। उनकी कहानी को सुन के लगता है कि हमेशा जिससे आप प्यार करते हो उसे पा लेना ही प्यार नहीं होता, बल्कि उसके दूर जाने के बाद भी उसकी यादों को संजो के रखना प्यार और त्याग की सबसे बड़ी निशानी है। कैप्टन अंशुमान और स्मृति की कहानी भी ऐसी ही है। मिलके बिछड़े, फिर मिले और फिर बिछड़े और फिर छोड़ गए, हमेशा हमेशा एक इंतजार। जी हाँ, कप्तान साहब की मुलाकात स्मृति जी से कॉलेज के पहले दिन हुई थी और पहली नज़र का प्यार भी हुआ। लगभग एक महीने बाद कप्तान अंशुमान का चयन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में AMC में हो गया। आप इसी बात से कैप्टन अंशुमान की बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने ही एक ही समय में इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम दोनों क्रैक कर लिए, जबकि दोनों की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। कप्तान अंशुमान मेडिकल कॉलेज चले गए। 8 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद स्मृति और कैप्टन अंशुमान ने फाइनली शादी कर ली। इन 8 सालों में न जाने कितने सपने, कितनी यादें संजोई होंगी इस जोड़े ने। शादी के बाद उन सपनों को पूरा करने का वक्त था, लेकिन 18 जुलाई को स्मृति और अंशुमान ने फ़ोन पर काफ़ी देर तक बात की। कैसे आने वाले जीवन के 50 साल हम बिताएंगे, अपना एक घर होगा, बच्चे होंगे और खुशियां होंगी और ना जाने क्या क्या। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह 19 जुलाई 2023 कैप्टन अंशुमान सिंह हजारों फीट ऊंची सियाचिन की पहाड़ियों पर अपने देश की सेवा कर रहे थे। इसी दौरान उनके कैंप में एक भीषण आग लगी। कैप्टन अंशुमान ने तुरंत अपने साथियों को बचाने में लग गए। इसके बाद वो कैंप में रखे जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण, जिसकी वजह से इतनी ऊंची चोटी पर सैनिकों को मेडिकल हेल्प दी जाती है, उससे बचाने में लग गए। लेकिन दुर्भाग्यवश आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि कैप्टन अंशुमान वहां से निकल नहीं पाए और वीरगति को प्राप्त हो गए। पत्नी स्मृति ने बताया कि हम अभी तक उस हादसे के जख्मों से उभर नहीं पाए हैं, लेकिन अब मेरे हाथ में ये कीर्ति चक्र है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो हुआ वो सच था, वो हमारे हीरो हैं। हम इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन का, अपने परिवार का सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि बाकी 3 सैनिकों और उनके परिवार को बचाया जा सके। सैनिक होना आसान नहीं होता, और उससे भी मुश्किल होता है एक सैनिक का परिवार का हिस्सा होना। जब कश्मीर में कहीं दूर दराज गोलियां चलती हैं तो हमारे परिवारों के लोग रात रात भर नहीं सोते, जब तक अगले दिन मैसेज या कॉल नहीं आ जाता उनकी सलामती का। जी हाँ, यही होता है असली त्याग और असली प्यार। शिवालिक जर्नल कैप्टन अंशुमान सिंह के वीरता और साहस को सलाम करता है और उनके परिवार को कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।